हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 1.3 जो कि है रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। रिविजिट मतलब फिर से हम मिलने जा रहे हैं इरेशनल नंबर को। जहां तक मुझे पता है तब तक इरेशनल नंबर आपके सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। 8th स्टैंडर्ड तक इरेशनल नंबर्स की बात आती नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में ही इरेशनल नंबर आए थे और इरेशनल नंबर के सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा अरिथमेटिक में कि किसी भी नंबर को अगर आप पी अपॉन क्यू या आर अपॉन एस या लाइन के ऊपर लाइन के नीचे नहीं लिख सकते उस नंबर को हम इरेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। इरेशनल के बारे में हमने और भी कई सारी चीज़ें सीखी थी पिछले स्टैंडर्ड में, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जब भी उसको डिवाइड करते जाते हो वो रुकता नहीं है। उसके साथ साथ उसके जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। पिछले क्लास में तो हमने पाई की बात भी की थी कि पाई एक इरेशनल नंबर है, गोल्डन रेशियो एक इरेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर सारे ही प्राइम नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स है। यहाँ तक चीज़ें कुछ कुछ क्लियर हुई थी। अभी आगे जो हम सिलेबस में जाने वाले हैं उसमें पिछले स्टैंडर्ड में जैसे कि हमने मान लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल है, ऐसा हमने आंख बंद करके मान लिया था। 10th स्टैंडर्ड में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो भी प्राइम नंबर है वो एक्चुअली इरेशनल है, या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। वो कैसे करना है वो धीरे धीरे हम समझेंगे। इसके अलावा 9th स्टैंडर्ड में थोड़ी सी और चीज़ें हम डिस्कस कर लें जो हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि रैशनल और इरेशनल के बीच में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो अलग अलग आंसर्स आते हैं, वो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 है तो ये पूरा ही नंबर इरेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल है, ये रैशनल है, दोनों के बीच में भले ही प्लस हो तो आंसर हमारा इरेशनल ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं 3√2 लिखूं यानी कि 3 × √2 तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से आंसर इरेशनल आएगा। अगर 3/√2 लिखूं या फिर √3/2 लिखूं या कोई भी ऐसा सवाल तो रैशनल और इरेशनल के बीच में डिवीजन हो तो भी इरेशनल जवाब आता है, ये भी आपको पता ही है। बाद में पिछला वीडियो अगर ध्यान से देखा हो तो एक बात मैंने बोली थी कि इरेशनल और इरेशनल के बीच के डिवीजन का आंसर में मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो अजीब से रिजल्ट देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट डिवीजन के रूल के हिसाब से इसको और इसको हम कट करें तो आंसर हमारा 1 आ जाता है। तो ये इरेशनल के बीच का डिवीजन, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, रैशनल आंसर आ गया। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तब जाके बात बदल जाती है। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, इस बार इसका आंसर इरेशनल आएगा। तो इरेशनल और इरेशनल के बीच में जब भी डिवीजन हो तब बता नहीं सकते कि आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल। ये एक केस था। दूसरा भी केस मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेशन में भी कई कई बार अजीब से रिजल्ट आते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, बट क्योंकि स्क्वायर रूट 6 प्राइम नंबर नहीं है ये रैशनल आंसर दे रहा है। बट सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लूँ मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 लूँ तो ये आ जाता है 2 जो कि रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे बात बदल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसी के हिसाब से
हमें अभी स्क्वायर रूट ऑफ टू इरेशनल है ये प्रूव करना है, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, बाद में एलजेब्रा, एडिशन विथ इरेशनल, ये सारी चीज़ें प्रूव करनी होगी। जिसके लिए हमें एक चीज़ हेल्प करेगी, वो है थियरम 1.3। वो थियरम क्या है उसको अभी मैं समझाता हूँ आपको। फिलहाल मुझे रब बोर्ड रब करना है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थियरम 1.2, 1.3 नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि पिछली बुक में, तो लेट इट बी। थियरम 1.2, वैसे भी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट पी बी द प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि पी कोई प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर कोई पी नंबर जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो तब जाके वो प्राइम नंबर पी ए को भी डिवाइड करेगा जहां पे ए कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाली चीज हमने एक बार पढ़ ली, अभी इसको समझते हैं। हालांकि इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला, तो अगर आपको सिर्फ पास होने रिलेटेड पढ़ना है तो यू कैन मूव ऑन, 3-4 मिनट 5 मिनट आगे चले जाओ। पर ये प्रूफ में से हो सकता है कि एक आधा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड मैथ्स जो लेने वाले हैं उनको देखने को मिल जाए, तो अगर कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो इसका प्रूफ भी देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मान लेते हैं कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि पी कोई प्राइम नंबर है, कोई सा भी, 2, 3, 5, 7, कोई भी प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की बात करते हैं, तो मान लेते हैं लेट लेट ए ए कोई कॉम्पोजाइट नंबर है जो प्राइम के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है। तो मान लेता हूं कि ए इज इक्वल टू पी वन मल्टीप्लाइज विथ पी टू मल्टीप्लाइज विथ पी थ्री मल्टीप्लाइज विथ डॉट 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 मल्टीप्लाइज विथ पी एन। यहाँ पे पी क्या है, पी प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे प्राइम नंबर डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रुक जाने वाले, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, हमने सारे नंबर की ही बात की है ए को लेके। अभी मान लेते हैं कि ए पी वन पी टू पी थ्री पी फोर सो ऑन पी एन के मल्टीप्लीकेशन से कोई कॉम्पोजाइट नंबर बना है। ठीक है, तो अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए मल्टीप्लाइज विथ ए, यानी कि पी वन पी टू पी थ्री सो ऑन मल्टीप्लाइज अगेन विथ पी वन पी टू पी थ्री एंड सो ऑन। तो पी वन और पी वन दो दो बार, चलो आपके लिए मैं लिख भी देता हूं, कंजूसी नहीं करता, पी वन पी टू पी थ्री सो ऑन पी एन मल्टीप्लाइज विथ पी वन पी टू पी थ्री मल्टीप्लाइज सो ऑन टिल पी एन। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी वन और पी वन का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो वो पी वन स्क्वायर हो सकता है। हाँ हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पी वन स्क्वायर मल्टीप्लाइज विथ पी टू स्क्वायर मल्टीप्लाइज विथ पी थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइज विथ डॉट 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 मल्टीप्लाइज विथ पी एन टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपके पास फाइनली बन जाएगी जब आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई? ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि स्टेटमेंट लिखा है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मान लीजिए कि ये जो ए स्क्वायर हमारे पास मिला है उसको पी सक्सेसफुली डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि इसको कोई प्राइम नंबर है इन्हीं में से जो इसको सक्सेसफुली डिवाइड कर रहा है। अभी ध्यान से समझिए, ये प्राइम नंबर पी इन्हीं में से कोई एक है, हाँ या ना? तो अगर मान लो कि ये पी वन है, मान लो कि ये पी वन है, तो ये पी वन और ये पी वन ये दो बार है, ये एक बार है, तो एक ही कटेगा, एक तो बच जाएगा, हाँ या ना? तो अगर इसको मैं एक पी वन से डिवाइड कर भी दूं, एक पी वन ऑलरेडी अभी उस जगह पे है जिसको फिर से डिवाइड्स ए वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर साफ तौर पे मैं बताऊं, तो अगर
ए स्क्वायर डिवाइड बाय पी हो सकता है तो ए डिवाइड बाय पी भी होगा ही होगा। फिर से अगर हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, देसी लैंग्वेज में, तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड हो सकता है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल लेके लेते हैं, जैसे कि 3 स्क्वायर हो जाता है 9, तो अगर 9 को तुम लोग अगर 3 से डिवाइड कर सकते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 को भी 3 से डिवाइड कर ही सकोगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो अगर 25 को अगर 5 से डिवाइड किया जा सकता हो तो 5 को भी 5 से डिवाइड किया ही जाएगा। इफ स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर या एनी प्राइम नंबर, इट्स स्क्वायर रूट आल्सो बीन डिविजिबल बाय दैट सेम प्राइम नंबर। इस चीज को आप याद रखो, इस स्टेटमेंट को याद रख सको तो बेस्ट है, ठीक है। इफ पी बी अ पॉजिटिव प्राइम नंबर, सॉरी पी बी अ प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये था आपका थियरम 1.2 जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हाँ, ये नंबर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट आपको जब भी ये क्वेश्चन आए आपको लिखना चाहिए। अभी जो मेथड से हम ये आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, और उस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अभी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अब मैथमेटिकली अपेंडिक्स 1 में दिया गया है टेक्स्ट बुक के पीछे, वो पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें समझ में आए कुछ ना आए, बट मैं काफ़ी एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर 10 लोग हैं और वो कमरा बंद ही है, ना कमरे के अंदर कोई गया ना कमरे से बाहर कोई निकला। अभी उसी कमरे के अंदर चोरी हो गई, ठीक है, किसी चीज़ की चोरी हो गई। रेगुलर जो प्रोसेस है हमारी उसमें क्या आएगी, पुलिस आएगी, सबूतों के आधार पे किसी सबूत इकट्ठा करके किसी एक को चोर ठहरा देगी और बाकी 9 लोग बच जाएंगे, ठीक है, यह नॉर्मल प्रोसीजर है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में ऐसा नहीं है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा सा उल्टा है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, पुलिस आएगी, सभी को चेक करेगी, पहले बंदे को लेगी, बोलेगा देख तू चोर नहीं है तू साइड में आ जा, दूसरे को तू भी चोर नहीं है साइड में आ जा, तीसरे को तू भी नहीं है, चौथे को नहीं है, पांचवें, 9 लोगों को चोर नहीं है ऐसा बोलेगी, 10वें को चेक नहीं करेगी, वो बोलेगी कि ये 9 लोग चोर नहीं है, कमरे के अंदर 10 लोग है तो जो बचा हुआ है वही चोर है। यही है आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल ही नहीं थ्योरम 1.3 जिसको आप एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हो, तो मैं उसको लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थियरम 1.3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इरेशनल है। इसको एज अ प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, इसका प्रूफ एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस है, हर बार पूछते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर हो या बेसिक का। ये पता नहीं इतना फुद्दू सा प्रॉब्लम हर बार क्यों पूछते हैं, पर पूछते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसको भी मैं बड़े ही अच्छे से आराम आराम से समझाऊंगा तो यू विल गेट द बेटर आइडिया, ठीक है। तो अभी मैंने बात की कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही इसको सॉल्व किया जाएगा, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो हमें शुरुआत करनी है, ना बाबा ना, ये इरेशनल नहीं है। तो लेट अस एज्यूम अ कॉन्ट्रारी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल, ठीक है। हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल है। अभी
रैशनल नंबर के बारे में आप सीख चुके हो कि रैशनल नंबर को हमेशा हम ए अपॉन बी के फॉर्मेट में, यानी कि लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं सो क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल टू आर अपॉन एस हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टू किसी दो नंबर के डिविजन से बनता है, ठीक है। तो यहां तक चीजें हम रखते हैं। अभी R अपॉन S कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, बट जरूरी नहीं है कि R और S को प्राइम हो। अभी को प्राइम आपको एक बार समझाया है, मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे कि 2/3, तो 2/3 ऑलरेडी मिनिमाइज्ड फॉर्म है, ऊपर नीचे कुछ भी हम काट नहीं सकते। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या फिर मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कह सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। पर अगर मैं यहां पे 10/15 लिखूं, ठीक है, तो 10/15 लिखूं तो ऊपर और नीचे एक ऐसा कॉमन नंबर है जिसको हम अभी भी काट सकते हैं। तो 10 को मैं लिख सकता हूं 2 5 10, 15 को मैं लिख सकता हूं 3 5 15। तो अगर ध्यान से देखोगे तो लाइन के ऊपर 5 और लाइन के नीचे 5, तब जाके ये आंसर आता है 2/3, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स हो जिसको ऊपर नीचे काटा ना जा सके, कॉमन के नाम पे सिर्फ 1 हो, क्योंकि यहाँ पे 2 1 2 तो लिख ही सकते हो, 3 1 3, तो कॉमन के नाम पे सिर्फ 1 हो, तब जाके उस फॉर्मेट को, उस फ्रैक्शन को हम को प्राइम कहते हैं। को प्राइम मतलब ऊपर और नीचे एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज, को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं यहां पे लिखूं 13/15, ठीक है, तो यहां पे भी एक दूसरे में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पे 13 भले ही प्राइम नंबर है बट 15 प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये दोनों नंबर को प्राइम है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन दिमाग से निकाल देना कि को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम ही होते हैं क्योंकि सर ने एग्जाम्पल प्राइम का लिया था, ऐसा नहीं है। ऊपर और नीचे एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो उस नंबर्स को प्राइम कहते हैं है। तो आई होप ये को प्राइम वाला फंडा, मिनिमाइज फ्रैक्शन वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं आराम से इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो ये प्रॉब्लम आप भूल जाओगे, एग्जाम से पहले करना पड़ेगा। और हम मैथ्स को समझ के करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर हो सके। रट्टा जो मारते हो वो भी काफ़ी इफेक्टिव है बट शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। और एट द एंड जब एग्जाम होगी तब बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं तो तब जाके शॉर्ट टर्म मेमोरी रट्टा काम नहीं हुआ काम आता, समझा हुआ होता है वो काम आता है। तो बेटर ये है समझ के करो। तो लेट अस अज्यूम अ कॉन्ट्रारी रूट टू इज अ रैशनल नंबर और आर अपॉन एस। अभी आर और एस मैं मान के चलता हूँ कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो मान लो आर और एस में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाता है और कॉमन वाली चीजें ऊपर नीचे से काट के स्क्वायर रूट ऑफ टू ए अपॉन बी बन जाता है। यहां पे हियर ए कॉमा बी आर को प्राइम्स, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ए और बी को प्राइम्स हैं मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं इसी के आधार पे। अगर मैं बी को सामने ले लूं तो क्या इसको मैं, चलो दूसरा चौक ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल टू ए। मैंने बी को इधर ले लिया, ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिविजन हो तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो तो डिविजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो अभी इस फॉर्मेट में दोनों के तरफ में स्क्वायर ले लेता हूं, टेक स्क्वायर बोथ साइड,
दोनों ही तरफ मैं स्क्वायर ले लेता हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द होल स्क्वायर। स्क्वायर इसके ऊपर भी लागू होगा, इसके ऊपर भी लागू होगा, तो बी स्क्वायर स्क्वायर रूट एन स्क्वायर विल गेट कैंसल ईच अदर, तो यहाँ पे टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अभी ध्यान से समझो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ पे कुछ चीज आपको याद आई होगी कि अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकता है। हाँ या ना, थ्योरम 1.2 आई थिंक जो अभी हमने किया लास्ट में। तो क्या इसका मतलब, अच्छा यहां पे मैं दो नंबर दे देता हूं और यहां पे a डिवाइड बाय 2 भी लिख लेता हूं, ठीक है यहां पे लिख लेता हूं थ्योरम 1.2। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, बोर्ड में ऐसा लिखोगे एग्जाम में तो मार्क कटेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में इसकी वैल्यू नहीं है, स्टेटमेंट की वैल्यू है, स्टेटमेंट लिखने का आधा मार्क होता है, तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये लिखोगे तो 12-15 प्रॉब्लम में 7 या 6 मार्क कट जाएंगे, ठीक है, तो हमेशा स्टेटमेंट लिखो, ऐसे शॉर्ट में मत लिखो, ठीक है। तो यहां तक चीजें थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हमने ये तो पता लगा दिया कि ए जो है जिसको हम को प्राइम समझ रहे थे उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर हम ये भी साबित कर दें कि बी को भी हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, प्रोबेबली 2, तो ये जो हमने एज्यूम किया है कि ये दोनों को प्राइम है, या ये अज्यूम किया है कि ये फ्रैक्शन है, वो अजम्पशन गलत साबित हो जाएगा। मतलब कि हमने जो समझा है कि ये रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन ही गलत हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलो बाकी की बातें आगे बढ़ाते हैं। अभी मान लेते हैं कि ए अपॉन लेट ए इज इक्वल टू 2c, मान लेते हैं यहां पे a की जगह पे 2c होगा शायद किसी c के लिए, तो यहां पे 2 कैंसल आउट हो सकता है, हाँ या ना, और सीधा ही c हमें जवाब मिल जाएगा। तो अगर हम यहां पे a की जगह पे 2c ले ले तो ये डिवीजन पॉसिबल है, तो लेट a इज इक्वल टू 2c। अभी a इज इक्वल टू 2c को हम 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट इन 2। अगर इस रिजल्ट को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी स्क्वायर मल्टीप्लाइज 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि चलो ए स्क्वायर और ए की जगह पे है 2c, तो 2c टू द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाइज विद 2, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करो, विच इज इक्वल टू 2² = 4 एंड c² = c, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? हाँ। अभी 2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो कैन आई राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c². फिर से दिमाग खनका कि सर यहाँ पे और यहाँ पे कुछ एक ही जैसी चीजें दिखाई दे रही है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ, चलो 2 को मैं इधर लेके जाऊं तो c² इज इक्वल टू b² / 2। फिर से थियरम 1.2, अगर स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं तो स्क्वायर रूट से भी कर सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b/2। मतलब a को तो डिवाइड कर ही सकते थे, यहां पे b को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैसी बात हुई, हमने तो माना था कि a और b को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहां पे भी 2 कॉमन निकल के आया, यहां पे भी 2 कॉमन के निकल के आया, मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है
तो स्क्वायर रूट ऑफ टू रैशनल नहीं है। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा अवर अज्यूम्ड कॉन्ट्राडिक्शन इज फॉल्स। हमने जो एज्यूम किया था कॉन्ट्राडिक्शन कि स्क्वायर रूट ऑफ टू रैशनल है वो गलत है, इसीलिए अवर एज्यूम्ड कॉन्ट्रारी इज फॉल्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इरेशनल। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू इरेशनल होगा। आई नो कि आपको ये थोड़ा सा सरदर्द जैसा लग रहा होगा, बट दिस इज द बेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, बाद में एक बार आप समझ गए हो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ स्टेप्स जो है वो रिपीटेटिव है, तो बाद में उसको उसी की तरह करना है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है जो मैं फटाफट से ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसको थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। ओके, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल हमने थ्योरम के माध्यम से कर दिया, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। तो let us assume that square root of 3 is rational। मान लेते हैं कि square root of 3 rational number है, तो अगर ये rational number है तो उसको r upon s form में लिख सकते हैं। तो so root 3 is equal to r upon s। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हमने मिनिमाइज किया और को प्राइम में कन्वर्ट कर दिया, विच लीड्स टू रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए कॉमा बी आर को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम नंबर है, मतलब इसके पास कुछ भी कॉमन नहीं है ऊपर और नीचे। इसी के हिसाब से so root 3 into b is equal to a हम लिख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, squaring on both side, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ root 3 multiplies b to the whole square is equal to a square, square root of 3 to the whole square is 3, b square is b square is equal to a square। हाँ या ना? तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3। किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकता है, विच इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 3, थियरम 1.3। हाँ या ना? इसको दे दो इक्वेशन 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, एक फैक्टर मिल गया। अभी दूसरी जगह पे हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3c है। लेट अस टेक a इज इक्वल टू 3c। 3c ही क्यों लिया? क्योंकि यहां पे क्या रखोगे तो 3 से डिवाइड हो, तो a की जगह पे हम 3 तो चाहिए क्योंकि इसको कैंसिल करना है, तो 3 तो चाहिए, और एक ही जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने सी ले लिया। तो यहाँ पे लेट अस टेक ए इज इक्वल टू 3c। अभी इसको सीधा ही सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट इट इन, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ पे स्क्वायर वाले में। तो यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दिया है, आप चाहो तो पिछले प्रॉब्लम की तरह ही आप इसको नंबर दे सकते हो। तो 3 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे हमें लेना है 3c, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है वी विल टेक एज स्क्वायर। 3 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, c स्क्वायर इज c स्क्वायर। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई।
थ्री को उस तरफ लेके जाओ तो डिवीजन में चला जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन, डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ थ्री सी स्क्वायर। यही चीज अगर उल्टा करके लिखें तो थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री, इसके जैसा ही है कुछ। तो थियरम 1.3 के हिसाब से इट इज ऑल्सो डिवाइड बाई थ्री, हाँ या ना, सेम थियरम 1.3। तो क्योंकि ये ए जो है वो भी तीन से डिवाइड हो रहा है, बी जो है वो भी तीन से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ए और बी आर नॉट को प्राइम, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है तो रूट थ्री बी रैशनल नहीं है, सो रूट थ्री इज नॉट रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो रूट थ्री इज इरैशनल, सो रूट थ्री इज इरैशनल, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी प्रूफ हो सकता है। हर बार चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तरीका सेम टू सेम ही रहेगा। उसी हिसाब से आप खुद प्रॉब्लम बना सकते हो कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरैशनल, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a अपॉन 5 b अपॉन 5, रूट 7 इज इरैशनल, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, बाकी सारे स्टेप्स आपके सेम टू सेम ही रहेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार 3 से 4 मार्क में ये प्रॉब्लम आता है, गांठ बांध के इसको याद कर लो ताकि ये इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में रैशनल और इरैशनल के बीच में एलजिब्रा है और उसको प्रूव करना है कि वो इरैशनल है, ये भी इसी की तरह आसान है, पर वो भी एक बार देख लोगे तो अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, अगर यहाँ तक पहुँचे हो, काम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को तक शेयर करो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।